बात, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Decoding Indian Culture and Mythology पे। कल के एपिसोड में हमने बात की प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान के विशेष संबंध के बारे में, उस भक्ति भावना के बारे में जो पवन पुत्र हनुमान के हृदय में शुरू से ही निवास करती थी प्रभु श्री राम के लिए, और जिसकी वजह से उन दोनों का एक ऐसा अटूट संबंध बन गया जो आज तक इस संसार में प्रभु और उनके भक्त के रूप में जाना जाता है। और आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे प्रभु श्री नारायण के बारे में, क्योंकि आज की हमारी विशेष कथा प्रभु श्री नारायण से जुड़ी हुई है। और इस विशेष कथा में प्रभु श्री नारायण के अतिरिक्त दो प्रमुख पात्र और हैं जिनसे ये कहानी और भी ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम अपनी आज की इस विशेष कथा का आरंभ करते हैं। तो आज की इस विशेष कथा की, यानी कि आज की इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब प्रभु श्री नारायण किसी भी अवतार के रूप में इस धरती पे नहीं थे, अपितु अपने वैकुंठ धाम में ही निवास कर रहे थे। लेकिन आने वाले वक्त में उनके अवतार इस धरती पे आने वाले थे, और वो कहीं ना कहीं इस सच्चाई से अवगत भी थे, लेकिन फिलहाल उनके किसी भी अवतार के रूप में इस धरती पे आने का समय नहीं हुआ था। तो ऐसे में प्रभु श्री नारायण के दो सेवक, दो भक्त और वैकुंठ धाम के दो पहरेदारों के रूप में जाने जाते हैं दो भाई जय और विजय, जो अनंत काल से वैकुंठ धाम की पहरेदारी करते हैं, प्रभु श्री नारायण की भक्ति करते हैं और उनकी सेवा में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे ही अपने अनन्य भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाते हुए प्रभु श्री नारायण उनका सदा ही कल्याण सुनिश्चित करते हैं, और वो भी अपनी भक्ति भावना के साथ पूरी लगन से प्रभु श्री नारायण की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और वैकुंठ धाम की पहरेदारी करते हैं दो भाई जय और विजय। तो एक दिन प्रभु श्री नारायण अपने पास जय और विजय को बुलाकर ये आज्ञा देते हैं कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे एकांतवास की आवश्यकता है, तो तुम दोनों को वैकुंठ धाम के पहरेदार होने के नाते ये सुनिश्चित करना है कि मेरे इस ध्यान में, मेरे इस एकांतवास में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और जब तक मैं तुम्हें दूसरी आज्ञा ना दूं, किसी को भी मुझसे मिलने की अनुमति तुम प्रदान नहीं करोगे, और ये सुनिश्चित करना अब तुम दोनों का कार्य है। और प्रभु की आज्ञा पाते ही जय और विजय वापस से वैकुंठ धाम के द्वार पे जाके खड़े हो जाते हैं पहरेदारों के रूप में, जो कि उनका नियमित कार्य था, और शुरू कर देते हैं प्रभु की आज्ञा का पालन, जहां उन्हें ये ध्यान रखना है कि जब तक प्रभु अपने ध्यान से और अपने एकांतवास से बाहर आके उन्हें दूसरी आज्ञा न दें, तब तक वो प्रभु से मिलने की इजाजत या अनुमति किसी को भी प्रदान नहीं करेंगे। तो ऐसे में एक समस्या के रूप में आगमन हो जाता है सप्तऋषियों का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सप्तऋषि एक समस्या के रूप में कैसे आ गए, वो तो सप्तऋषि हैं, आशीर्वाद देते हैं जिनसे सबका कल्याण होता है, भला यहाँ पे वो किसी समस्या के रूप में सामने कैसे आ सकते हैं। तो इसका पता आपको आगे की कहानी में चलेगा कि कैसे सप्तऋषियों का आगमन जय और विजय के लिए एक नई परेशानी खड़ा कर देता है। तो यहाँ पे होता ये है कि जब सप्तऋषियों का वहां पे, यानी कि वैकुंठ धाम में आगमन होता है, तो उनकी प्रबल इच्छा होती है प्रभु श्री नारायण से भेंट करने की, वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन जय और विजय इस बात से भली भांति परिचित थे, अवगत थे कि एकांतवास की स्थिति में और अपने ध्यान की स्थिति में प्रभु श्री नारायण इस समय किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकते, और हम ये सुनिश्चित करने के लिए ही हैं यहाँ पे कि इस समय हम उनकी भेंट किसी से भी होने नहीं देंगे। तो उन्होंने भी जो सच था वो सप्तऋषियों के सामने रख दिया कि हमें प्रभु श्री नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए इस समय ये सुनिश्चित करना है
कि जब तक उनका ध्यान और एकांतवास पूरा नहीं हो जाता, आप में से कोई भी उनसे मुलाकात या भेंट नहीं कर सकता। लेकिन इस सच्चाई को सुनने के बाद भी सप्तऋषि संतुष्ट नहीं हुए, अपितु वे अत्यंत ही क्रोधित हो गए और ये कहने लगे कि तुम जानते हो हम कौन हैं और हमारा प्रभु श्री नारायण से मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। हमें अत्यंत ही विशेष बात उनसे कहनी है और इस समय हमारा उनसे मिलना बहुत ही अनिवार्य है और इसके बावजूद तुम हमें रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। तो उन्होंने विनम्रता से अपनी मजबूरी उन्हें बताई कि हम आपको रोककर आपका कोई भी अपमान नहीं करना चाहते ऋषिवर, परंतु समझने का प्रयत्न कीजिए। हम तो जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना है और उनकी आज्ञा से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और जब तक हमें उनसे दूसरी आज्ञा नहीं मिल जाती और जब तक वो स्वयं हमें इस बात की अनुमति नहीं देते कि उनसे कोई भी भेंट कर सकता है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। और इसे आप अपने अपमान के रूप में नहीं अपितु हमारी विवशता के रूप में समझे ऋषिवर, और आपकी बहुत कृपा होगी यदि आप इस समय उनसे मिलने का हट त्याग दें। लेकिन उनकी बात सप्तऋषि समझ ही नहीं रहे थे, वो उनकी किसी भी बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। ऐसे में जब उनका क्रोध अपनी सीमा पार कर गया और उन्हें ऐसा लगा कि अब तो हमारी किसी भी बात का जय और विजय पे और उनके इस निश्चय पे कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा है और वो तो दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हुए हैं पहरेदार के रूप में और हमें रोक रहे हैं प्रभु से मिलने से, तो उन्होंने उसी क्रोध में आके जय और विजय को एक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसने जय और विजय के लिए एक बहुत ही बड़ा धर्म संकट पैदा कर दिया, बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। तो उस श्राप में सप्तऋषियों ने जय और विजय को मृत्यु लोक पे जन्म लेने का श्राप दिया और ये कहा कि कई जन्म तुम्हें मृत्यु लोक पे ही निवास करना होगा और कई जन्मों तक मृत्यु लोक पे निवास करने के बाद तुम हमारे इस श्राप से मुक्त हो पाओगे और तब तक के लिए तुम वैकुंठ से अपने पहरेदारों के इस पद से प्रभु की सेवा और उनकी भक्ति से दूर हो जाओगे और कई जन्मों पश्चात जब हमारे श्राप का ये प्रभाव समाप्त होगा तब तुम हमारे श्राप से मुक्त होगे और तब तुम दोनों भाई मृत्यु लोक से वैकुंठ लोक में वापस आ सकोगे और तब तुम्हें अपना ये पद, अपना ये कार्य, अपना ये स्थान वापस मिल सकेगा और तब तुम अपनी प्रभु भक्ति जो है उसे जारी रख पाओगे। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें ये दूरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी उन पुनर्जन्मों के साथ जो तुम्हें इस धरती पे लेने पड़ेंगे और तब तक के लिए तुम अपने स्वामी से और वैकुंठ धाम से दूर ही रहोगे। तो ये श्राप जब उन्होंने अपने क्रोध में आके उन दोनों भाइयों को दे दिया तो उनके लिए तो जैसे कि पहाड़ ही टूट पड़ा हो, जैसे कि उनका संसार ही समाप्त हो गया हो। प्रभु श्री नारायण तो उनके सब कुछ थे, वो केवल उनके सेवक नहीं थे अपितु उनके भक्त भी थे, क्योंकि वो उनके स्वामी थे, उनके भगवान थे, उनका संसार थे। और अपने प्रभु से दूर होना किसी भी ऐसे भक्त के लिए जिसकी अनन्य भक्ति ही उसका जीवन हो, किसी भी घोर अभिशाप से कम नहीं होता। और यहाँ यह अभिशाप उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका था, उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका था, जिससे मुक्ति कैसे पाएं, निजात कैसे पाएं, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। और जब प्रभु श्री नारायण अपने ध्यान और एकांतवास से बाहर आते हैं तो उन्हें एहसास हो चुका होता है कि इस दौरान जय और विजय के साथ कौन सी घटना घटी, उनके साथ क्या हुआ और उन्हें किस प्रकार इस घोर श्राप का भागी बनना पड़ा। तत्पश्चात जय और विजय उनके समक्ष आते हैं और उनके सामने अपनी यही समस्या प्रकट करते हैं। उन्हें आश्वासन देते हुए प्रभु श्री नारायण उन्हें अवगत कराते हैं कि उन्हें उनके साथ हुई हर एक घटना और हर एक बात का पहले से ही ज्ञात है और वो
उनकी इस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। इसके लिए उन्हें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि वे अपने प्रभु पे विश्वास करते हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके प्रभु कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत या अनुचित नहीं होने देंगे और सदैव उनकी रक्षा करेंगे। तो फिर जब जय और विजय ने ऐसी बात अपने प्रभु के मुख से सुनी तो उन्हें कुछ तो शांति जरूर मिली, लेकिन फिर वो ये जानना चाहते थे बहुत उत्सुकता के साथ कि हमारी इस समस्या का क्या वाकई में हमारे प्रभु कोई निदान कर पाएंगे, क्या इसे वो सुलझा पाएंगे। तो फिर उन्होंने उत्सुकता वश जानना चाहा कि प्रभु आखिर हमारी इस समस्या का क्या निदान हो सकता है, क्या हल निकल सकता है, और अगर कोई हल है तो कृपा करके हमें उससे अवगत कराएं और हमारा ये दुख दूर करें। तत्पश्चात प्रभु श्री नारायण ने उनके सामने दो विकल्प रखे और ये दो विकल्प ही उनकी इस समस्या का निदान या फिर हल कर सकते थे, और उन्हें इन दो विकल्पों में से किसी एक का चयन या चुनाव करके अपनी समस्या से मुक्ति पानी थी। तो वो दो विकल्प कुछ इस प्रकार थे कि अब वो श्राप जो है वो निरस्त तो नहीं किया जा सकता, उसे भंग नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब वो सप्तऋषियों का दिया श्राप हो, वो तो बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा, लेकिन उसके प्रभाव को, उसके असर को कुछ कम जरूर किया जा सकता है। बस इसी बात से प्रभु श्री नारायण ने उन्हें अवगत कराया, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि प्रभु श्री नारायण के पास इसके उपाय के रूप में कौन से विकल्प मौजूद हैं जिनके उपयोग से वो इस श्राप से जल्द निजात पा सके। तो वो दो विकल्प कुछ इस प्रकार थे कि पहले विकल्प में यदि वे प्रभु श्री नारायण के परम भक्त के रूप में इस धरती पे जन्म लेते हैं तो उन्हें इस मृत्यु लोक इस धरती पे ऐसे 9 जन्म लेने होंगे जिसमें वो दोनों भाइयों के रूप में ही एक दूसरे के साथ तो रहेंगे और प्रभु श्री नारायण के भक्त के रूप में जाने जाएंगे और उनका पूरा जीवन उनकी भक्ति में ही व्यतीत होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 9 जन्मों तक इंतजार करना होगा। 9 जन्मों तक जब वो इस धरती पे जन्म लेके इस श्राप से मुक्ति पा जाएंगे तब फिर वो वैकुंठ धाम वापस आ सकेंगे अपने पहरेदारों के पद पे, और प्रभु भक्ति उनकी जो अनन्य काल से चली आ रही थी वैकुंठ धाम में रहते हुए, वो प्रभु भक्ति दोबारा से शुरू हो पाएगी। पर इसमें उन्हें इंतजार बहुत लंबा करना था, 9 जन्मों का एक बहुत ही लंबा इंतजार, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई। तो फिर उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या दूसरा विकल्प इस विकल्प के मुकाबले में कुछ ज्यादा अच्छा है, क्या उसमें हमें कम इंतजार करना पड़ेगा। तो प्रभु आप केवल उस दूसरा विकल्प का ही उल्लेख कर दीजिए, शायद उसी से हमारी समस्या खत्म हो जाए, ये उलझन सुलझ जाए। तो उन्होंने फिर उस दूसरे विकल्प का उल्लेख किया जिसमें वाकई में उन्हें कम दूरी झेलनी पड़ती, क्योंकि उस दूसरे विकल्प के उल्लेख में प्रभु ने उन्हें ये बताया कि इस धरती पे उन्हें केवल 3 बार ही जन्म लेना पड़ेगा, 3 जन्मों के पश्चात वे मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ धाम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे अपने पहरेदारों के पद पे अपने प्रभु की भक्ति और सेवा करने के लिए। और ये बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि ये दूसरा विकल्प तो हर हाल में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर इस समय प्रभु श्री नारायण को चिंतित से लगे, तो उन्होंने उनकी चिंता की वजह जाननी चाही कि ये इतना अच्छा विकल्प जो आपने बताया ये हमें तो खुशी दे रहा है, लेकिन आप इस समय परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या इस विकल्प से आपको खुशी नहीं हुई प्रभु। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में तुम दोनों जल्दी वापस आ जाओ, इससे ज्यादा अच्छी बात मेरे लिए भी कुछ नहीं होगी, लेकिन इसमें एक समस्या है। तो उन्होंने जानना चाहा कि वो समस्या आखिर क्या है जो प्रभु को भी परेशान कर रही है। तो फिर प्रभु ने बताया कि इन 3 जन्मों में तुम मेरे भक्त के रूप में नहीं अपितु मेरे घोर शत्रु के रूप में इस धरती पे जन्म लोगे, और उन 3 ही जन्मों में तुम्हारा संहार, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा विनाश मेरे ही हाथों से होगा। तत्पश्चात तुम्हें इस श्राप से मुक्ति प्राप्त होगी और तुम वैकुंठ धाम वापस आ जाओगे। तो इसमें दूरी तो कम है, समय भी कम ही लगेगा, लेकिन तुम खुद ही विचार कर लो
कि तुम्हें मेरे भक्त के रूप में इस धरती पे जाना है कि मेरे घोर शत्रु के रूप में। ये बात वैसे उन दोनों भाइयों को भी कुछ थोड़ी सी अटपटी लगी कि जो प्रभु के भक्त के रूप में जाने जाते हैं वो ही अब अगर प्रभु के घोर शत्रु बनेंगे तो ये सुनने और देखने में थोड़ा अजीब तो जरूर लगेगा, लेकिन फिर एक फायदा, एक नहीं बल्कि दो दो फायदे उन्हें यहाँ मिल रहे थे। वो ये कि वो वापस भी जल्दी ही आ जाते, 9 जन्मों के मुकाबले 3 जन्मों की दूरी थी, और उसमें उन्हें प्रभु के हाथों मुक्ति भी मिल जाती जो उन्हें 9 जन्मों के उस अवसर में नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां तो वो भक्त बनकर ही जन्मे थे। प्रभु के हाथों मुक्ति मिलने का वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं था। यहाँ वो शत्रु बन के जन्म लेते तो प्रभु के हाथों ही उनकी मृत्यु होती, तो उन्हें फिर वो खुशी मिलने लगी जो उन्हें पहले नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने भी उस अजीब से ख्याल का त्याग कर दिया, यानी कि उस अजीब सी चिंता या परेशानी का जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कैसा लगेगा जब हम प्रभु के शत्रु के रूप में जन्म लेंगे और ये संसार भी हमारे बारे में क्या सोचेगा। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, जो भी हो कम से कम हम जल्दी तो वापस आ जाएंगे और फिर हमें मुक्ति भी प्रभु के हाथों ही मिलनी है, तो फिर बाकी सारी चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रभु है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो ऐसा तो उन्हें अधिक विश्वास था ही अपने प्रभु पे। उन्होंने भी हंसी खुशी उस दूसरे विकल्प का चुनाव कर लिया और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु अब आप भी चिंता मुक्त हो जाइए, हम दोनों उस दूसरे विकल्प का चुनाव करते हैं, लेकिन आप भी परेशान मत होइए, उस दूसरे विकल्प के जरिए हम दोनों यहाँ जल्दी वापस आ जाएंगे आपकी सेवा में, आपकी वैकुंठ धाम की पहरेदारी करने, और इससे ज्यादा अच्छी बात प्रभु हमारे लिए और आपके लिए भी कुछ और नहीं हो सकती। भले ही सुनने और देखने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसका परिणाम तो हमारे पक्ष में ही होगा। तत्पश्चात प्रभु भी राजी हो गए और फिर उन्होंने उन्हें ऐसा ही आशीर्वाद दिया तथास्तु कहकर कि अब वो 3 बार इस मृत्यु लोक पे, इस धरती पे जन्म लेंगे उनके घोर शत्रु के रूप में, तत्पश्चात प्रभु उनका संहार करेंगे और फिर इन 3 जन्मों के जीवन को खत्म करने के बाद वो वैकुंठ धाम वापस आ जाएंगे। और फिर इतना आशीर्वाद देकर प्रभु ने उन्हें वैकुंठ धाम से विदा किया। तो अब वो तीनों भाई इस मृत्यु लोक पे जन्म लेते हैं और उनका जन्म अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों और अलग अलग पहचान के साथ होता है, लेकिन हर जन्म में वो दोनों भाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। लेकिन अब वो प्रभु के भक्त के रूप में नहीं, प्रभु के घोर शत्रु के रूप में जाने जाते हैं। तो पहले जन्म में ये दोनों ही भाई जय और विजय बनते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दो राक्षस भाई असुर कुल में जन्मे हुए। हिरण्याक्ष ने समुद्र के गहराइयों में धरती को छिपा के जलमग्न कर दिया था और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया था, क्योंकि प्रहलाद असुर कुल में पैदा होने के बावजूद प्रभु श्री नारायण की भक्ति में हर समय लीन रहता था। तो ऐसे में अपने शत्रुओं का नाश करने और उनके अधर्म का विनाश करने के लिए प्रभु श्री नारायण दो अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। हिरण्याक्ष का अंत किया उन्होंने वराह अवतार में और तत्पश्चात उन्होंने इस धरती को उस समुद्र से बाहर निकाला और जो ये पूरी धरती जलमग्न हो गई थी तो उस संकट से इस संसार को मुक्ति दिलाई। और हिरण्यकश्यपु के लिए, जो अपने पुत्र प्रहलाद पे अत्याचार करता था, उसकी प्रभु भक्ति के लिए उससे भी उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह के अवतार में वो प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध अपने हाथों से ही किया। तो यहाँ पे उन दोनों भाइयों का ये पहला जन्म समाप्त हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों भाइयों के दूसरे जन्म की। तो दूसरे जन्म में ये दोनों भाई एक बार फिर से असुर कुल, या ये कहें कि राक्षस कुल में ही जन्म लेते हैं और अपने दूसरे जन्म में ये दोनों भाई बनते हैं रावण और कुंभकर्ण। तो ये तो आप जानते ही हैं कि रावण और कुंभकर्ण का अंत किनके हाथों हुआ था, और वो कोई और नहीं प्रभु श्री राम ही थे, जो एक बार फिर से प्रभु श्री नारायण के अवतार के रूप में ही इस पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें दूसरे जन्म में भी, यानी कि जय और विजय को अपने दूसरे जीवन में भी प्रभु श्री नारायण के हाथों मुक्ति प्राप्त हो गई। अब बारी थी उनके तीसरे और आखिरी जन्म की,
जिसके बाद वो सदा सदा के लिए इस श्राप से मुक्त हो जाते, वैकुंठ धाम वापस चले जाते और अपने पहरेदारों के पद को और प्रभु के भक्त के पद को सदा सदा के लिए दोबारा से प्राप्त कर लेते। तो अपने इस तीसरे और आखिरी जन्म में जय और विजय सामने आते हैं शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। जी हाँ, शिशुपाल और दंतवक्र। और दंतवक्र इस जन्म में शिशुपाल का सगा भाई तो नहीं होता है, परंतु वे दोनों दूर के भाई जरूर लगते हैं और भाइयों वाला रिश्ता किसी भी प्रकार से इस जन्म में भी उन दोनों के बीच जरूर होता है। तो इस जन्म में शिशुपाल का वध और दंतवक्र का वध एक बार फिर से प्रभु श्री नारायण के श्री कृष्ण अवतार के हाथों होता है और एक बार फिर से यहाँ पे प्रभु अपने वचन की पूर्ति करते हैं कि उनके हाथों दोनों भाइयों का संहार होगा, उन दोनों को मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से उनके तीसरे जन्म का भी अंत हो जाता है, जहाँ पे शिशुपाल और दंतवक्र को प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति प्राप्त होती है। और इसके पश्चात दोनों भाई वापस चले जाते हैं वैकुंठ धाम में, और जहाँ पे वो अपने पहरेदारों के पद और उसकी सेवा को दोबारा प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु की वो जो अनन्य भक्ति से इन तीन जन्मों में वंचित रहे, क्योंकि वो अभी प्रभु के भक्त नहीं थे, शत्रु थे, वो वापस से उन्हें मिल जाती है। सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाता है, वो अपने पहरेदारों के कार्य पे वापस लौट आते हैं, प्रभु की भक्ति एक बार फिर से शुरू हो जाती है और प्रभु के सानिध्य में आज तक जय और विजय वहीं यानी कि वैकुंठ धाम में ही उनके सेवक के और भक्त के रूप में निवास कर रहे हैं और अनंत काल तक उनके साथ ऐसे ही वो निवास करते रहेंगे। तो यहाँ पे आज की हमारी ये जो विशेष कथा है ये समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आप जय और विजय के इस गूढ़ रहस्य से परिचित होके हैरान भी होंगे, लेकिन समझ भी गए होंगे कि क्यों इतने सारे रूपों में जय और विजय का जो अंत है वो प्रभु श्री नारायण के ही विभिन्न अवतारों के हाथ से होता है। तो इसके पीछे का वो श्राप, इसके पीछे की वो कहानी जो हमें वरदान के बारे में भी बताती है और वो कहानी जो हमें उनकी अनन्य भक्ति से भी परिचित कराती है, वो कहानी आज हमने आपको अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में सुनाई। तो इसी के साथ हमारी आज की ये विशेष कथा प्रभु श्री नारायण और उनके सेवक और उनके भक्त जय और विजय के जन्म और पुनर्जन्म से जुड़ी हुई ये विशेष कथा, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात जल्द होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।